सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों मैं हूं कुलदीप मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुलदीप मान व्लॉग्स में। दोस्तों आज आया हूं मैं एक और नई जगह को एक्सप्लोर करने। पीछे ग्राउंड देख के आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हूं मैं क्रिकेट अकेडमी को एक्सप्लोर करने आया हूँ। मैं हूँ इस टाइम हिरण की विलेज में, जो पड़ता है बाहरी दिल्ली में। ये अकेडमी है काउंटी स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट अकेडमी। दोस्तों देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पे बच्चे आते हैं, रहते हैं हॉस्टल में और यहाँ पे अपना क्रिकेट सीख के जाते हैं। एक प्रोफेशनल लेवल पे स्टार्टिंग एक करियर बनता है दोस्तों यहाँ पे। और इतने मजेदार एक इन्वायरमेंट बना हुआ है यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चों को देख के आज मन किया, स्पेशली मैं हूँ बच्चों से मिलने और इस अकेडमी को एक एक्सप्लोर करने, ताकि लोग मेरे चैनल के माध्यम से देख सके कि कौन सी अकेडमी जो स्पोर्ट्स में जो भी बेस्ट फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं या मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मेरी कोशिश रहती है उन सभी जगह पे जाऊं और आपके लिए एक बेस्ट चीजें मैं लेके आऊं अपने चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों आज हूं मैं हिरण की विलेज में और पूरा एक्सप्लेन करता हूं एक एक चीज आपके लिए। और क्रिकेट अकेडमी को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं बच्चों से बात करके, देखते हैं कोचेज से बात करते हैं और जानते हैं अकेडमी के बारे में। तो अभी मेरे साथ है इस अकेडमी के कर्ता धरता सर विवेक जी। विवेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना समय आपने दिया। धन्यवाद कुलदीप जी। विवेक जी थोड़ा सा अकेडमी के बारे में पहले बताइए कि अकेडमी कब स्टार्ट हुई और कैसे प्लान कैसे बना आपका इस अकेडमी को स्टार्ट करने के लिए। सर ये अकेडमी की शुरुआत मैं कहूँ तो जो क्रिकेट की जो ज़रूरतें थी उसको ध्यान में रखते हुए शुरू हुई। 2011 में इसकी नींव हमने डाली और 2012 में हमने इसकी शुरुआत कर दी थी, जिसके अंदर अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी आए जो हमारे संपर्क में थे, जिनको दिक्कतें थी और सुविधाएँ नहीं थी। देहात में, उन शहरों के देहात में वो बिलोंग करते थे और रहते थे। तो 16 से 17 खिलाड़ी ऐसे थे जो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सोच और चीफ प्लानिंग के बारे में उनको जानकारी हुई। तो ऐसे खिलाड़ी अलग अलग राज्यों से भारत के, तो इसीलिए इसका नाम भी पहले हमने सोचा था इंद्रप्रस्थ, लेकिन फिर हमने काउंटी इसका नाम रखा, क्योंकि काउंटी का अर्थ प्रांत होता है और अलग अलग प्रांत से बालक आए थे। तो हमने सोचा कि काउंटी उसका सबसे बेहतर, और काउंटी एक प्रचलित नाम है क्रिकेट के अंदर। इंग्लैंड के अंदर काउंटी क्रिकेट होता है, जिसको प्रांतीय खेल कहते हैं। थोड़ा विवेक जी थोड़ा सा अपने बारे में जरूर बताइए, हमारे दर्शकों को वो जरूर जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं स्पेशली। एक बार थोड़ा अपने बारे में जरूर बताइए। जी बिल्कुल, मैं अपने बारे में बताऊं तो क्रिकेट के अंदर मेरा ज़्यादा खेलने का अनुभव नहीं रहा, लेकिन हाँ खिलाड़ी मैं था, अलग अलग खेल खेलता था, ताइक्वांडो, क्रिकेट और उसके अलावा थोड़ा बहुत फुटबॉल खेलते थे। तो इस तरीके से टीम गेम और इंडिविजुअल गेम में मेरा अनुभव अच्छा था। लेकिन मैंने अपने आपसे कुछ प्रश्न किए और मेरे मेंटोर जो थे श्रीमान चेतन चौहान जी, जो अब नहीं है इस दुनिया में, और उसके अलावा यशपाल शर्मा जी, यह मेरे मेंटोर रहे, जिनके मार्गदर्शन में इस सेंटर को हमने बेहतर तरीके से निखारा। और अपने बारे में इतना ही कहूँगा कि मेरे मेंटोर के तौर पे कुछ ऐसे कोच रहे जिनका बैकग्राउंड क्रिकेट नहीं था या स्पोर्ट्स नहीं था, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो। टीम गेम के अंदर ऐसे अनेक कोच हैं जिनका बैकग्राउंड वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स रहा ही नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने गुरु होने का बहुत बड़ा उदाहरण इस रूप में दिया है कि वो स्वयं पूरी जिंदगी सीखते रहे हैं और बच्चों के प्रश्नों का सही जवाब दे पाए, उस पे वो लगातार काम करते आए। तो मैं भी उसी प्रकार काम कर रहा हूँ और अब तक इन 12-13 वर्षों में मैं उस लेवल पर पहुँचा हूँ कि मेरे साथ अनेक सहयोगी, मेरे मित्र और कुछ मेंटोर्स जुड़े हैं, जो हम भारतवर्ष में इस खेल को उस जमीन तक ले जाना चाहते हैं जहाँ पर गाँव देहात के बच्चे, जिनके अंदर ये प्रतिभा जन्म से ही होती है, उनको चुनकर और उनको उस स्तर पर ले जाना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। अभी तक हमने काफ़ी हद तक सफलता पाई है। पहला जो हमारा बैच रहा उसके अंदर 16-17 खिलाड़ी में से हमारे कुछ खिलाड़ी ऐसे थे लगभग जो डिस्ट्रिक्ट पहले से ही खेले हुए थे, लेकिन अपने अंतिम पड़ाव पे थे, क्योंकि ये आयु वर्ग का खेल है, इसमें एज बार होती है। तो उस अनुपात के हिसाब से देखें तो फिर जो कुछ बच्चे और 15-16 जो जुड़े अलग अलग राज्यों से, तो 2014 में हमारा जो एक बेस्ट बैच बना, जिसके पास एक टाइम था अपने आयु वर्ग के हिसाब से, वो हमारा 2017 और 2018 तक लगभग सभी खिलाड़ी, उसमें से 13 खिलाड़ी हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्टेट लेवल पर उन्होंने अपना पदार्पण किया और बहुत अच्छा उन्होंने अपना पहला सीजन स्टेट लेवल पर वो रिप्रेजेंट हुए, विदाउट एनी जो भी सब चलता है अपनी रेफरेंस से, अपने गेम के दम पे, अपने खेल के स्तर पर वो पहुंचे। तो विवेक जी एम जरूर बताइए। देखो अकेडमीज मैंने बहुत देखी, मैंने कवर भी करी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि देखो अकेडमीज का एक एम जरूर होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। खाली ऐसी चीज नहीं होती कि पब्लिक आती है, बच्चे बहुत सारे आते हैं, क्योंकि क्रिकेट ऐसा हम सबके ब्लड में ही है, हर कोई खेलना चाहता है, हर कोई IPL इंडिया की तरफ से खेलना चाहता है। लेकिन बेसिक है कि वो एक पैसा कमाने का जरिया तो नहीं है, या आपका एम मेरे को जरूर बताइए कि हम बच्चों को एक्चुअली इस अकेडमी से क्या बेस्ट दे पाए। मेरा ये मानना है कि मैं ही नहीं, जितने भी खेल के जो कोच हैं उनका सबका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। कोई भी खेल की कोचिंग एक ऐसी चीज है जिसमें वो बिजनेस करने नहीं आता है कोई भी कोच, ठीक है। मजबूरियां कुछ चीजें हो सकता है कि वो उस चीज को छोड़ दे, लेकिन वो अपने जो एक अंदर उसके अंदर एक उस खेल को उठाने की जो एक समझ होती है वो उसको देते हुए और ऐसे खिलाड़ी निर्माण करना चाहता है पूरे कमिटमेंट से। तो मैं अगर बात करूं तो हमने उसी प्रकार से एक उद्देश्य रखा कि अगर मैं बेसिक रूप से मूल रूप से अगर बात करूं तो एक कोई भी बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की, कोई भी उसके अंदर एक टैलेंट होता है स्पोर्ट्स का, क्योंकि खेल ऐसी चीज़ है जो हमारा फिजियोलॉजिकल, मेंटल और कह सकता हूं कि मैं मेरा इंस्टिंक्ट, ठीक है, वो भी डेवलप होता है, ठीक है। और उसके बिना हमारा कंप्लीट होना असंभव है। मैं कहता हूं इनकॉम्पिटेंट है हम रहेंगे। तो अब उस बात में गौर करने वाली बात है कि एज ए कोच अगर हम काम करते हैं बच्चे की स्किल पे, सिर्फ कोच एक कंप्लीट होना चाहिए। मेरा मानना है आज के समय में भी हो या पहले के समय में भी हो, कोच अगर सिर्फ उस खेल की तकनीक सिखाएगा, उसके अलावा बच्चे का रहन सहन, खान पान, उसका सोचना, विचार करना उस खेल के प्रति, उसके अंदर एक गहरी समझ एक विकसित हो, डेवलप हो वो उस खेल को लेकर पूर्ण रूप से, ताकि वो निरंतर इस खेल में बना रहे जीवन भर। देखो एक खिलाड़ी का एक स्तर पे चुना जाना और फिर खेलना और अपने खेल को, अपनी प्रतिभा को उस स्तर पे दिखाना, ये एक समय का चक्र होता है कि क्यों जरूरी नहीं है कि आज मैं फिट हूँ, चाहे मेरी स्किल कितनी भी अच्छी है एज ए प्लेयर, तो मैं आज उतना बेटर परफॉर्म कर पाऊँ जो मेरे अंदर है समझ या मेरी बॉडी के अंदर जो एबिलिटीज हैं। तो अगर बच्चा ये सोच लिया कि मुझे सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनना है, तो मैं कहता हूँ उसका एम बहुत छोटा है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनना ये बहुत छोटा एम है। लेकिन मैं अगर ये सोचूं एज ए कोच, जैसा मेरी सोच है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर खिलाड़ी बेस्ट किए हैं जिनका नाम है, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय खेलूंगा, उसने सोचा कि मेरे अंदर जो एबिलिटीज़ है, मेरी बॉडी में, मेरे माइंड में और मेरे जो कॉन्शियसनेस में, मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कॉन्शियसनेस, तो कोचेस अगर कॉन्शियसनेस पे काम करें तो वो बच्चा थ्रू आउट हिज और हर लाइफ वो इस गेम को विकसित करेगा अपने तौर पे या एज ए कोच होने के तौर पे। बिल्कुल। विवेक जी एक बात और बताइए, मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत बड़ा एक एरिया है यहाँ पे, हाँ, आपने काफी एक डेवलप कर रखा है। तो दो ग्राउंड हमारे पास है, राइट? दो ग्राउंड हमारे पास है। थोड़ा सा ग्राउंड की फैसिलिटी के बारे में जरूर बताइए, ताकि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, क्योंकि हमारे व्यूअर्स काफी देखते हैं इस पूरे थ्रू आउट एक इंडिया पूरा होता है, सब देखते हैं, तो वो अगर एकेडमी के बारे में जानना चाहते हो थोड़ा फैसिलिटी के बारे में जरूर बताइए। फैसिलिटी देखो हमारे पास तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई जिनके पास इस तरह की सुविधाएं नहीं है वो अच्छे सेंटर नहीं है। मैं बड़े ही एक कम्युनिटी डेवलपमेंट के तौर पे एक विचार रखता हूँ कि भाई पहले हमारे पास एक खेल का मैदान हुआ करता था और 4 क्रिकेट के नेट्स होते थे, 2 टर्फ, 2 सीमेंटेड, और बॉलिंग मशीन हमारे पास शुरू से थी जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी है, बोला कंपनी जो होती है उसकी। तो उसके बाद हमें लगा कि भाई जो खेल के जो आयाम बदल रहे हैं, बच्चों की जो जरूरतें बढ़ रही हैं, तो उसको एक सीमित उसमें रखना, इकोनॉमी में रखना, या कह लो एक अनुपात में रखना कम, कि अपनी सुविधा अगर हो जाती है। तो हमें कुछ लोगों ने सहयोग किया जो लोकल क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, इसी लोकल एरिया से। तो हमने सोचा कुछ और सुविधाएं बढ़ाई जाए ताकि बच्चों को अगर एक मैच हो रहा है तो दूसरा मैच अगले उसी दिन हो सके छोटे बच्चों का। तो एक थोड़ा सा ये हमारा बड़ा ग्राउंड है काफ़ी, ठीक है, वो भी पूरा ग्राउंड है लेकिन इसके अनुपात में थोड़ा छोटा है। फिर हमने दूसरे खेल पर भी गौर किया कि बच्चे सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे, तो हमने फिर फुटबॉल फैसिलिटी भी शुरू करने वाले हैं थोड़े दिन में। तो फुटबॉल के तौर पर एक ग्राउंड हमारा छोटा उधर है, और नेट्स में हमने 2 क्रिकेट नेट बड़े, क्योंकि बड़े प्लेयर को आजकल T20 का ज़माना है, तो फास्ट गेम है, तो अपने गेम के अंदर इंटेंसिटी और डायनामिक्स ऐड करने के लिए, उसको मूवमेंट के लिए कुछ थोड़ा ओपन स्पेस चाहिए, तो ऐसे हमने कुछ 2 बड़े नेट अनदर इंस्टॉल किए हमने, और कुछ और इक्विपमेंट, टेक्निकल इक्विपमेंट हमने लेके आए, जैसे रोबोआर्म और बॉलिंग मास्टर, स्पीड गन, वीडियो एनालिसिस के लिए स्पोर्ट्स कैमराज, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। जी, थोड़ा सा विवेक जी और बताइए, जैसे कोचिंग मेन होती है, देखिए किसी भी अगर मैं ग्राउंड का मानूं तो मेन जो पिलर होते हैं वो कोचिंग होती है, कोचेज जो उसको डेवलप करते हैं, तो कुछ कोचेज के बारे में और थोड़ा सा अकेडमी की टाइमिंग के बारे में जरूर बताइए, मैं चाहूंगा बताइए। बिल्कुल, समय तो देखो, समय के बारे में पहले मैं प्रश्न ले लूंगा कि इसमें सुबह के टाइम पे हमारा एक सेशन रहता है, उसमें फिटनेस भी होती है, कई बार स्किल सेशन होता है, ठीक है, और इवनिंग में हमारा नॉर्मली स्किल सेशन ही होता है, फिटनेस कम होती है, वार्म अप, ड्रिल्स और वो सारी चीज़ें हो जाएं, फील्डिंग वो एक अलग बात है, तो ये एक रूटीन होता है। और अगर कुछ एकेडमीज ऐसी हैं जो मॉर्निंग करती हैं तो सिर्फ वो मॉर्निंग सेशन ही होता है, बट हमारे यहाँ मॉर्निंग इवनिंग में 2 सेशन चलते हैं, तो सेशन वाइज उनका प्लान होता है। और रही बात कोचिंग की, तो हमारे पास 6 कोचिंग स्टाफ है जिसके अंदर सबके अपने अपने रोल हैं, जैसे स्किल कोच अलग हैं, कॉन्शियस कोच के तौर पर मैं हूँ, जहाँ पे हम सब कॉन्शियस कोचिंग और कॉन्शियस कोचिंग पे काम करते हैं, और उसके अलावा स्किल के अंदर जैसे बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, इस हिसाब से हमारे पास 2 कोचेज अलग होते हैं, फिर हेड कोच हैं, चीफ कोच हैं और मेंटोर्स हैं। इस तरीके से हमारे पूरी कोचिंग की एक 6 लोगों की टीम है, पूरी टीम बना रखी है आपने कि जाकि जो भी बच्चा आपके पास है तो हम बेस्ट प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि अगर डे टू डे बात करें तो ये गेम डे टू डे तो स्किल बेस्ड बेशक है, लेकिन उसका अगर वीकली और मंथली अगर हम उसका एनालिसिस नहीं करते हैं एक प्लेयर का, तो हम वो चीज़ नहीं ऑब्जर्व कर पाते कि वो बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी एबिलिटी क्या है, क्योंकि एथलेटिक्स की बात करें या एथलीट की बात करें, बीइंग एथलीट, ठीक है, तो एथलीट के तौर पे हमारी एबिलिटीज़ हमारी बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड होती है, मसल, हमारा जो सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर है, रेस्पिरेटरी है, स्केलेटन सिस्टम है, बहुत सारे हमारे 5-6 प्रकार के हमारे सिस्टम है, तो वो सारे आज या पूरे उस मंथ में किस तरीके से कोऑर्डिनेट होके काम कर रहे हैं, तो वो ऑब्जर्व करना वीडियो एनालिसिस के थ्रू, हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनके थ्रू, फिजियोज के थ्रू, तो उस पे काम होता है फिर। जी जी, एक बार विवेक जी थोड़ा सा एकेडमी के एड्रेस के बारे में, क्योंकि मैंने देखा काफी आउटस्कर्ट में आपकी एकेडमी है, क्योंकि पब्लिक क्या एक प्रेफरेंस देती है कि मेन रोड पे हो, थोड़ा सा एक सोसाइटी के नजदीक हो, लेकिन आपका थोड़ा सा आउटस्कर्ट पे है ये। हाँ, आउटस्कर्ट का कारण था कि जैसे आप जो शांति यहाँ मिलती है, तो वो शांति मैं मानता हूँ एक फोकस होने के लिए क्रिकेट या किसी भी गेम में जरूरी है। अगर ये एकेडमी अदरवाइज रोड पे होती, मेन रोड पे भी हमारे पास फैसिलिटी हो सकती थी, हमारे पास ऑप्शन थे, लेकिन हमने एकांत चुना। तो इसमें एड्रेस की बात करें तो हिरण की गाँव में पड़ता है, नरेला विधानसभा, और बुराड़ी से लगता हुआ ये विधानसभा क्षेत्र है नरेला का, और फिर इसके बाद हिरणकी के जस्ट बाद हमारा केशव नगर शुरू होता है नथुपुरा के पास। तो ये अपना लोकेलिटी है, हमारे पूर्व में यमुना नदी है और बहुत अच्छा वातावरण है हेल्थ के लिए और ट्रेनिंग के लिए। जी जी, विवेक जी सच में यहाँ पे आके बहुत मजा आया, मेरे को देखने का नई नई चीज देखने को मिली, डिस्कवर करने को मिली। सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखो बच्चे आते हैं और एक अच्छी फैसिलिटी की एक्सपेक्टेशन करते हैं और ग्रो भी करते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे टाइम पे भी इतनी बढ़िया अकेडमीज नहीं होती थी, लेकिन आजकल इतने बढ़िया सेटअप आ रहे हैं, इतने रिफाइंड कोचेज आ रहे हैं, तो मेरा मन एक ब्राइट फ्यूचर है हमारे बच्चों के लिए जो भी आता है। तो मैं चाहता हूँ आपके बच्चे यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस दे और हमारी शुभकामना आपके साथ है, और इतना अच्छा समय आपने दिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी मेरे साथ हैं काउंटी स्पोर्ट्स एकेडमी के कोच अजय यादव जी मेरे साथ। कोच साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका भी। कोच साहब कब से खेल रहे हो आप, थोड़ा सा अपने बारे में जरूर बताइए। मैं क्रिकेट 2012 से स्टार्ट किया था। जी। मैं गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ उत्तर प्रदेश, इसमें आपको इंटरनेशनल खिलाड़ी सुरेश रैना, RP सिंह वो हमारे सीनियर खिलाड़ी रहे, उस कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ मैं। तो 2012 से मैंने क्रिकेट की जर्नी अपनी स्टार्ट करी, और उसके बाद मैंने यूपी के लिए भी अंडर 19 का कैंप किया, और उसके बाद मैंने 23 का भी कैंप किया। उसके बाद मैं मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, जिसमें मैं इंजरी के बीच में आया, जिसमें मेरा लिगामेंट खराब हुआ। तो उस बीच में मुझे लगा कि अब मेरा क्रिकेट कैरियर थोड़ा सा अब जो उस तरफ नहीं, क्योंकि आप जानते हैं खिलाड़ी को फिट रहना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद मैंने लेवल 1 कोर्स किया, कोचिंग लाइन पे आया, और वहाँ से मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी। तो काउंटी स्पोर्ट्स के साथ कब से जुड़े हुआ? काउंटी स्पोर्ट्स के साथ मैं 3 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत ही अच्छी एकेडमी है ये, दिल्ली के एरिया में देखा जाए तो, क्योंकि ऐसी जगह बहुत कम मिलती है। मैं इसके पहले मुंबई में भी कोचिंग किया हूँ, तो जगह का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है जैसे, और आज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अपने पास 2 बड़े ग्राउंड्स हैं, जिनमें हम लोग देख सकते हैं, फैसिलिटीज है, ओपन नेट भी करा सकते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। जो हमारे डायरेक्टर हैं काउंटी स्पोर्ट्स के, उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, इसलिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज दे रखा है यहाँ पर अकेडमी में, जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका टाइम है यूटिलाइज हो सके, और जो 2 से ढाई घंटे रहते हैं ना बच्चा अपने प्रैक्टिस के लिए आता है, तो हम ज्यादातर कोशिश करते हैं सारे बच्चे बिजी रहें। वो ऐसे ही हो सकते हैं जब आपके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स होंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस का एरिया है आपके पास, तो सारा सब कुछ इधर पे है। तो मैं 3 महीने से इस काउंटी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ। कितने बच्चों को आप डील करते हैं पर डे में, मानो कितना टाइम देते हो बच्चों को? बच्चों को बगैर तो प्लेयर नहीं बन सकते। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों टाइम मॉर्निंग इवनिंग स्लॉट चलना चाहिए जी। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज भी और लोकल एरियाज के बच्चे भी आते हैं, तो हॉस्टल फैसिलिटीज के बच्चे के साथ साथ लोकल एरिया के जो बच्चे हैं, तो हम लोग मॉर्निंग का सेशन भी रखते हैं, जिसमें मॉर्निंग सेशन में हम लोग फिटनेस पे ज्यादा वर्क करते हैं और स्किल्स पे कम। और इवनिंग का जो अपना सेशन होता है उसमें स्किल्स का भी स्किल ज्यादा रहती है, स्किल्स हो गया, फिटनेस हो गया, उसमें इंक्लूड करके रखते हैं। तो हम लोग लगभग तीन घंटे का सेशन मॉर्निंग में रहता है, 3 घंटे का सेशन शाम को रहता है, तो लगभग 6 घंटे हम बच्चों को टाइम देते हैं ताकि थोड़ा सा अपने स्किल्स पे इम्प्रूव ला सके जी। तो कुछ आप बॉलिंग बैटिंग दोनों कराते हैं या खाली बॉलिंग स्पेशलिस्ट? जी मैं खुद एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज के साथ एक लेफ्टी बैट्समैन हूँ, तो और मैं तो ऑलराउंडर हूँ, तो मुझे पता है और मैं दोनों कोचिंग करता हूँ क्योंकि मैं सर्टिफाइड कोच हूँ लेवल 1 का, तो मुझे सारी चीजों का नॉलेज है, कैसे किस प्लेयर को किस चीज की जरूरत है, किस प्रोग्रेशन से उसको कौन सा स्किल करना है, कौन सा ड्रिल करवाना है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से जानकारी है। आप तो कोच हैं, आप ग्राउंड पे रहते हैं, चाहे धूप हो बारिश हो चाहे सब आपको डील करना पड़ता है, चाहे कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हो। कुछ समय एक बात जरूर जानना चाहता हूँ, प्लेयर बनने में कितना टाइम लगता होगा? आपको क्या लगता है कि प्लेयर कितने दिनों में बन जाता है, कितने सालों में? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेयर बनने का कोई टाइम आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप देखोगे सचिन रमेश तेंदुलकर सर थे जो क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, तो वो तो 14 साल में इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गए। तो मेन होता है कोच का काम होता है बच्चों पे निगरानी रखना और निखार देखना है, और पूरा काम तो खिलाड़ी के ऊपर होता है। एक्चुअली खिलाड़ी का माइंडसेट कैसा है, वो किस चीज को कितनी जल्दी ऑब्जर्व कर रहा है, कब वो अपने आप को सही तरीके से ढाल रहा है और अपने माइंडसेट को क्या लेके कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। तो खिलाड़ी बनने का टाइम तो आप नहीं दे सकते, लेकिन एक ये जैसे हमारे डायरेक्टर सर ने बताया कि आयु वर्ग का ये खेल है, तो हम लोग का जो प्लेटफॉर्म होता है अंडर 14 से स्टार्ट होता है, तो अंडर 14 हम लोग का स्टेट होता है, पूरे इंडिया का जो BCCI पैनल है वो स्टेट के लिए अंडर 14 से स्टार्ट कर देता है क्रिकेट। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए अब अगर आप 10 साल आपकी 10 साल है, अगर दो साल भी आप अच्छे से मेहनत करते हैं, 3 साल, तो आप अंडर 14 के लिए आप आ सकते हैं। तो कितनी एज से किसी बच्चों को स्टार्ट करना पड़ेगा क्रिकेट की बात? क्रिकेट में आजकल आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा, हम सोशल मीडिया में भी देखते हैं कि बहुत छोटे एज के भी बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं आजकल। तो देखो तो क्रिकेट क्या है ना कि एक बहुत पॉपुलर गेम हो चुका है अपने इंडिया में, तो छोटे बच्चे जैसे कि आप देख लें 7 से 8 साल का बच्चा है तो उसको स्टेशनरी बॉल्स हो गया, छोटे इक्विपमेंट्स हो गए, उनसे आप स्टार्ट करवा देते हैं तो ज्यादा समय देता है और उसको टाइम मिलता है थोड़ा सा खेलने का। तो आप लगभग 8 साल के बच्चे को आप स्टार्ट करा सकते हैं क्रिकेट। तो गर्ल्स क्रिकेट काफी इम्प्रूव हो रहा है आजकल भारत में। जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा उसके बारे में जरूर बताइए। गर्ल्स क्रिकेट की बात की जाए तो चाहते हैं गर्ल्स निकल के आए। जी बिल्कुल, गर्ल्स क्रिकेट की बात की जाए तो लड़कियां हमारी किसी लड़कों से कम नहीं है और काफी अच्छा परफॉर्म भी किया। अभी आपने देखा वर्ल्ड कप उसमें खेला, हमारी टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, WPL भी आया, WPL में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की हमारी वुमेन्स टीम है जो इंडिया की है। यूपी के बहुत सारे हैं, हर स्टेट से बहुत वुमेन्स से प्लेयर निकले। तो वो कोई स्ट्रेंथ की बात की जाए तो स्ट्रेंथ बराबर रहती है, बस थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन इतना ज्यादा अंतराल नहीं कह सकते हम। तो मेहनत पे लड़कियां भी पीछे नहीं है, तो मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां स्पोर्ट्स से जुड़े। उसके साथ साथ क्या है ना कि आप खिलाड़ी के साथ साथ आपका जो फिटनेस है, आपका जो माइंडसेट है, बहुत सारी चीजें आपको इससे डेवलप होती हैं। आपका जो एक इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये टीम गेम है, तो आपके साथ कई सारे माइंड्स मिलेंगे, कई सारी बातें होंगी आपके बीच में टीम्स के साथ, तो बहुत सारी चीजें आपको डेवलप कर सकती हैं लड़कियां, जिससे कि लड़कियों को भी खेलना चाहिए। जी जी, वो समय चाहूंगा कि लास्ट करते वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज जो हमारे दर्शक दे रहे हैं, जो यंगस्टर्स हमारे आ रहे हैं, उनको एडवाइस क्या देना चाहेंगे? क्रिकेट अगर खेलना चाह रहे हैं तो क्या एडवाइस रहेगी आपके उनके लिए? मेरा यही एडवाइस है कि आप अपने बच्चे को देखिए कि आपके बच्चे में हुनर किस चीज का है, वो किस लाइन में जाना चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर वो स्पोर्ट्स में रुचि रखता है, फिर उसके बाद आपका आता है एक सही फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग आपको एकेडमी सर्च करनी है, उसको जहाँ पे सही तरीके से यूटिलाइज कर सके, उसका काम हो सके, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो बिगिनर्स पे काम करने के लिए आपको, क्योंकि छोटे बच्चे को शुरू से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म क्या है, बेसिक क्या है, तो ऐसी एकेडमी में आपको उसको लेके जाना चाहिए, उसकी फिटनेस पे काफी ध्यान देना चाहिए। और मैं यही अपना संदेश देना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा फिट रखने के लिए स्पोर्ट्स से जोड़ना बहुत जरूरी है। बच्चों को किसी भी स्पोर्ट्स से जोड़िए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर जोड़िए, जिससे आपको फिटनेस के साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। जी जी, कोच साहब, आपकी जो जो आपने एडवाइस करी है कहीं ना कहीं बहुत यूज़फुल होने वाली है हमारे दर्शकों के लिए, जो भी क्रिकेट से नहीं या किसी भी गेम से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत यूज़फुल है। थैंक यू। तो दोस्तों मेरे साथ है काउंटी स्पोर्ट्स क्लब की पूरी टीम, विवेक जी से मैं मिलवा चुका हूँ। विवेक जी थोड़ा इंट्रोडक्शन अपनी टीम का जरूर बताएं। जी, मेरे बिल्कुल बाईं तरफ हैं प्रणव पाठक जी जो CEO हैं हमारे काउंटी स्पोर्ट्स के, जो अभी रिसेंटली हमारे जो प्रोग्राम है अलग अलग स्टेट में जो हमारे डेवलपमेंट चल रहे हैं उनको देख रहे हैं। और आरिज अलवी जी हमारे मैनेजर हैं जो जहाँ भी हमारी फैसिलिटी ऑनगोइंग है उनको मैनेज कर रहे हैं। तो पूरा प्रोग्राम के बारे में जरूर बताइए विवेक जी, क्योंकि पूरा हफ्ते आपका प्रोग्राम चलता है, वो क्या है, उसका रूटीन कैसे रखते हो आप, कैसे मैनेज करते हो प्रोग्राम की? जहाँ तक बात है दो तरह का हमारा एक कॉम्बिनेशन है जिसको अगर हम एक वर्ड में कहें तो प्लेयर सेंट्रिक प्रोग्राम। जी जी, एक प्लेयर के चीजों को देखते हुए प्रोग्राम हम डिजाइन करते हैं विद टाइम। इनिशियली हम उसको 3 स्टेजेज में बांटते हैं, बिगिनर, प्रैक्टिस एंड ट्रांजिशन। ओके, और उसके पैरामीटर्स हैं। फिर उसके बाद हम उसका एथलीट टाइप देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम एथलीट टाइप वाला प्रोग्राम इम्प्लीफाई करते हैं जिससे उसका जो इंडिविजुअल प्रोग्राम है वो रेडी होता है। ओके, हाँ। तो इस हिसाब से पूरा आप पूरे वीक का प्लान करते हैं। तो या कोई एज जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे बच्चे की एज है उसके हिसाब से कैसे मतलब मैनेज करते हैं चीजों को? स्किल बेस्ड प्रोग्राम हो गया एक, तो एक्टिविटी बेस्ड हो गया, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड हो गया और एबिलिटी बेस्ड हो गया, ये सारा होता है। ठीक है, और रिजल्ट इसमें क्या है, जल्दी आता है। जी, हमने, आप बिलीव करेंगे, एक रॉ प्लेयर को इफ ही इज ए बॉलर और शी इज ए बॉलर, हमने उसको 6 महीने में इस लेवल पे ले आए कि कोई भी उसको देख के ये नहीं कह सकता है कि सिर्फ 6 महीने पुराना बॉलर है। वो उसको लगेगा कि 2 साल से बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि उसकी जो अलाइनमेंट है, उसकी जो रिदम है ना, उसका जो बॉडी का जो पाइवेट है या हिंज है, ये सारे कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो साइंटिफिकली, क्योंकि मैं भी साइंस बैकग्राउंड से एक अपने आप को रेडी किया हूँ, स्पोर्ट्स साइंस ग्रेजुएशन और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी चीजें हैं। तो हम साइंस और प्रैक्टिकल चीजें उसका एक कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं जिससे रिजल्ट जल्दी आता है। जी जी, बड़ा अच्छा किया जो आपने इन सारी चीजों को डिस्कशन किया हमारे से, ताकि कोई हमारा व्यूअर देख रहा तो उसको ज्यादा बेनिफिट हो उसके। जी जी, थैंक यू जी। दोस्तों सच में आज यहाँ पर आकर इतना मज़ा आया, इतने यंगस्टर्स को देखा, सच में मेरा भी खुद दिल किया कि क्रिकेट खेलने का, लेकिन एक काफ़ी लंबा टाइम होगा खेले हुए, तो इसलिए मैंने गिव अप करना सही समझा। सच में इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ढेरों कमेंट करने हैं। लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हिप हिप होरे, ये